जय नारायण स्टूडेंट, वेलकम बैक हियर। आई होप ऑल आर वेल। एंड नाउ टुडे विल स्टार्ट फॉर चैप्टर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। फर्स्टली स्टूडेंट, कि चैप्टर नंबर 2 आई एम ऑलरेडी डिस्कस द लेक्चर 1, लिबरल रेडिकल एंड कंजर्वेटिज्म एंड द एज ऑफ सोशल चेंज। एंड नाउ टुडे स्टार्ट फॉर सेकेंड लेक्चर, लेट्स सी। नाउ स्टूडेंट, आई एम ऑलरेडी डिस्कस द लेक्चर 1 कि यूरोप में कई चेंजेस हो रहे थे और कई लोगों जो थे, तीन लोग जैसे लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिज्म, उनकी अलग अलग व्यूज़ थे, अलग अलग आइडियोलॉजी थी उस तरीके से सोसाइटी में जो चेंज लाना चाह रहे थे लिबरल और रेडिकल कंजर्वेटिज्म, एक तरीके से पॉलिटिकल वे में। तो यहाँ पर वो एक पैरेलल चेंजेस दिख रहा है स्टूडेंट, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्टली, जब इट इज़ अ टाइम ऑफ चेंजेस, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, और न्यू सिटीज़ केम अप, न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप, जब नई इंडस्ट्रीज़ का स्टार्टेड हुई तो जो नए नए सिटीज़ थे उसके आसपास वो भी डेवलप कर रहे थे, और जब रेलवे लाइन एक्सपेंडेड होती है तो एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और ऑकर्ड करता है, तो इस तरीके से वहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। बट प्रॉब्लम क्या थी स्टूडेंट, कि जब मैन, वुमेन, जेंडर केम टू फैक्ट्री इन सर्च ऑफ वर्क, लोग अट्रैक्ट हो रहे थे कंपनी में, इंडस्ट्रीज में आने के लिए, फैक्ट्री में जॉब करने के लिए, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली वर्किंग आवर्स वेरी लॉन्ग, बहुत लंबा समय था, वेजेस वेरी पुअर, एंड देयर वॉज अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। तो यहाँ पर यह भी प्रॉब्लम थी कि डिमांड बहुत कम थी इंडस्ट्रियल्स में, बट अनएम्प्लॉयमेंट मोर। वाई? बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। दूसरी चीज प्रॉब्लम, यहाँ पर हाउसिंग प्रॉब्लम भी हो रही थी, सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट सी। तो आपने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप में जो प्रॉब्लम हो रही थी उसका सोल्यूशन किसने आइडिया दिया, उन्होंने ये सोचा कि हमारे रिगार्डिंग एक आइडिया है, और लिबरल रेडिकल ने ये, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ओनर थे, वो ये सोच रहे थे कि हमें भी इनको एम्प्लॉयमेंट लेबर्स को देना चाहिए, तो इस तरीके की ये बात कर रहे थे जैसा कि हमने बताया, और ये भी चाहते थे कि ये लेबर एजुकेशन इनको प्रोवाइड हो, और साथ में जो मनी, कुछ लोग हैं जो मनी पावर में हैं, वो उन्हें, वो भी कोऑपरेटिव करें, वो भी सपोर्ट करें, एम्प्लॉयमेंट दें, और ऑप्शंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दें जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और जो माइग्रेट कर रहे थे, जो परेशान हो रहे थे, वो इस तरीके का लिबरल रेडिकल ने एक सोल्यूशन निकाला, और इस आइडियाज़ का सपोर्ट बहुत सारे नेशनलिस्ट ने किया जैसा कि अभी हमने बताया। और गिस्पी मज़ानी भी चाहते थे कि उन्होंने भी इस आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस दिया, और इस आइडिया को भी उन्होंने बहुत अच्छा समझा, तो उन्होंने भी एक इटली में, वो जानते हैं कि आप इटली से वो बिलोंग करते थे, और फिर जो भी उन्होंने इसके अकॉर्डिंग मतलब लिखा, जैसे नॉवेल्स में उन्होंने लिखा इन बातों को, आर्टिकल्स में, पोएट्स में, इस तरीके से उन्होंने भी इटली में स्प्रेड किया और फैलाया। और गिस्पी मज़ानी एंड इटालियन नेशनलिस्ट थे जो कि आपको पता ही है, और कॉन्स्पायर्ड विद अदर्स टू फॉर्म इटली एंड वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स, वो भी ये चाहते थे कि सबको इक्वल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ नेशनलिस्ट। देखिए, हम यहाँ बात करेंगे कि जो लिबरल और रेडिकल थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं नेशनलिस्ट की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी जो व्यूज़ और जो भी आइडियोलॉजी वो लोग के बीच में बात कर रहे थे और जो भी सोल्यूशन दे रहे थे, वो एक नेशनलिस्ट की फीलिंग को सपोर्ट कर रहे थे, और लोगों के अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन 1815 में वांटेड टू रिवॉल्यूशन टू पुट एन एंड टू द मोनार्कियल गवर्नमेंट इन यूरोप, और वो ये चाहते थे कि मोनार्कियल सिस्टम पूरी तरीके से एंड हो जाए। 1815 में इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया रिवॉल्यूशनरी ओवरथ्रू एग्जिस्टिंग मोनार्की, और जो भी फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया में जो मोनार्की सिस्टम है वो ओवरथ्रो हो जाए, वो हट जाए। और नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशंस टू क्रिएट नेशन विद इक्वल राइट्स, और वो नेशनलिस्ट की बात कर रहे थे और एक रिवॉल्यूशन टू क्रिएट कर रहे थे कि एक नेशन हो जिसमें इक्वल राइट्स हो, और इस तरीके से गिस्पी मज़ानी कॉन्स्पायर्ड विद अदर टू अचीव दिस इन इटली, क्योंकि आप तो गिस्पी मज़ानी कॉन्स्पायर्ड विद अदर टू अचीव दिस इन इटली। वाई? बिकॉज लिबरल एंड रेडिकल की जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक नेशनलिस्ट को सपोर्ट कर रही थी,
और वो उनको लग रहा था कि उनकी जो मतलब जो बातें हैं वो बहुत सपोर्टिव है और एक इक्वल राइट्स लाएंगे। तो गिस्पी मजानी ने भी इनकी जो बातें थी जो इन्होंने राइटिंग फॉर्म ये लिखते थे, तो ये इटली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, तो इन्होंने पोएट्स, नॉवल, आर्टिकल सारी चीज़ों में इसको लिखा और फैलाया, स्प्रेड किया इटली में। और जो अदर नेशनलिस्ट थे वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे, और लिबरल और रेडिकल चाहते थे कि एक अच्छा सबको एक सिटीज़न ऐसा हो, हेल्दी इकोनॉमी हो, एजुकेशन पर सारे लोग पढ़े लिखे हों, बहुत हर चीज़ बहुत अच्छा, और सबके पास मतलब जॉब ज़्यादा से ज़्यादा जॉब लोगों को मिले, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, ये सारी फीलिंग्स थी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा रोल ऑफ नेशनलिस्ट। नेक्स्ट